शहजाद दूसरे टी20 में फील्डिंग के दौरान जख्मी, रन लेने वाले वॉल्टन के साथ बुरी तरह टकराकर गिर पड़े। वेस्ट इंडियन खिलाड़ी के घुटने टकराने से अहमद शहजाद की गर्दन पर चोट आई, एम्बुलेंस ग्राउंड में लाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टी20 पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर दिलचस्प मुकाबला। कौमी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में सिर्फ 132 रन बनाकर आउट। शोएब, बाबर और वहाब के सिवा सब फेल। कामरान का बल्ला आज नहीं चला। फखर जमान ने डेब्यू पर काबिले फखर कारकर्दगी नहीं दिखाई। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग। इस वक्त का जो माहौल है, खासतौर से मोदी साहब वहाँ पर रवैया है, इससे ये लगता है कि हम खेलने की बिल्कुल तैयार नहीं। मैं अब दोबारा चेयरमैन नहीं बनना चाहता। पाक भारत क्रिकेट जंग खेल के मैदानों से अदालती ऐवानों तक। पीसीबी का सीरीज ना खेलने पर भारत को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। शहरयार खान कहते हैं सीरीज का इम्कान नहीं। PSL 3 के मैचेस पाकिस्तान में, फाइनल कराची में होगा। इस्तीफे पर तैयार हूं। अगस्त 2018 के बाद कोई ओहदा नहीं लूंगा। घर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 21 अफगान बाशिंदों समेत 57 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। SP बलोचिस्तान ने नोश के गार से असलहा और मलेशिया बरामद कर ली। हुकूमत सिंध का एक और कारनामा। कराची का खूबसूरत तरीन बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले कर दिया। हवालगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 130 एकड़ रकबे पर मुहित बाग इब्ने कासिम 60 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी 2007 में तामीर किया गया था। सखर और लाड़काना की मैंडेट वाले कराची पर हुकूमत कर रही है क्योंकि यहाँ पैसा है। वसीम अख्तर फिर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बोले बल्दिया उज़्मा के पास वसाइल नहीं है। सिंध हुकूमत ने कारों की बजाय फायर टेंडर्स देने का मुतालबा नहीं माना। शहर में बैक वक्त दो मकामात पर आग लग जाए तो बुझाने की सलाहियत मौजूद ही नहीं। क्या डॉक्टर आसिम आज आजाद फिजाओं में सांस ले सकेंगे? पासपोर्ट एक अदालत में जमा, दूसरी ने भी मांग दिए। कानूनी पेचीदगी पर गुज़श्ता रोज भी रिहा नहीं हो सके। उधर शर्जील मेमन की अबूरी जमानत मंजूर। साबिक सूबाई वजीर की विफाकी वजीर दाखला पर तनकीद। बोले चौधरी निसार ECL को जागीर समझते हैं। इमरान खान को सिर्फ पीपल्स पार्टी के केसेस में मुकमुकाम नजर आता है। आसिफ जरदारी कहते हैं इमरान खान के अपने केसेस इलेक्शन कमीशन से क्लियर हुए तब मुकमुकाम दिखाई नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से कोई डील नहीं की, मुकदमात अदालतों से क्लियर कराए। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। अवाम पर रवां साल चौथी बार पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओग्रा की अप्रैल के लिए पेट्रोल कीमतों में इजाफे की सिफारिशात। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। पेट्रोल 75, हाई स्पीड डीजल 84 रुपए लीटर होने का इम्कान। हतमी फैसला आज होगा। रूसी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की जेर क्यादत वफ्द का शिमाली और जुनूबी वजीरिस्तान का दौरा। खित्ते में इस्तेहकाम लाने में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई इदारा या शख्सियत। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। फैसलाबाद में ड्राई पोर्ट के करीब बस उलट गई, 4 मुसाफिर जां बहक, कई जख्मी। इमदादी टीमों ने जख्मियों को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद से सांगला हिल जाने वाली बस में 70 अपराध सवार थे। बस की छत पर भी कई मुसाफिर मौजूद थे।
इस्लामाबाद में बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने से इनकार पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। G72 के रिहायशी हरबे दिल शुजा के खिलाफ FIR CDA की पोलियो टीम के शिकायत पर दर्ज की गई। कार्य सरकार में मदाखलत और टीम को धमकियों की दफात शामिल। भारत के साथ 1947 से पहले की शराइत पर मुज़ाकरात को तैयार हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं मसला कश्मीर हथियारों से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा। भारत मानता है कि मसला कश्मीर अहम है और हल निकलना चाहिए। मसला कश्मीरी आवाम के बगैर हल नहीं किया जा सकता। जनूबी सूडान में ही यकमाल बनाया गया पाकिस्तानी इंजीनियर बाजियाब अयाज जमाली को तयारे के जरिए खरतूम पहुंचा दिया गया। बागियों ने ऑयल फील्ड से 2 हफ्ते कबल इसे अगवा किया था। बाजियाबी में जनूबी सूडान और चीन का अहम किरदार। बदीन में अयाज जमाली के घर पर जश्न का समा, मिठाई तकसीम। अमरीका में तयारे के शरीक पायलट की दौराने परवाज रूह कफसे अंसरी से परवाज कर गई। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट डेलिस ने न्यू मेक्सिको जा रही थी। को पायलट की मौत के वक्त तैयारा अपनी मंजिल से सिर्फ 2 मील की मुसाफत पर था जब हंगामी लैंडिंग की इत्तला दी गई। और मियां चनू में नौजवान की अनोखी मेहंदी, लाइटों से सजाई गई ऊंट रेडी। 5 ऊंटों और 4 कारों को भी खूबसूरती से सजाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, घोड़ों का रक्स, बैंड बाजा भी खूब बचा।